प्रथमं तु सर्वे मित्रेभ्य अहम् सादरं नमस्कारं करोमि। अद्य प्रसन्नतया विषयः अयम् अस्ति यत् अद्य संस्कृत दिवसः रक्षाबन्धनं श्रावण मासस्य च अन्तिमः सोमवासरः अपि अस्ति इति त्रिवेणी संगमानाम् अवसरे अहम् राजेश शर्मणः सर्वे मित्राणां पूजनीय जनानां बालकानां शिशूनां च नमस्कारं अभिवादनं आशीर्वचनं च दातुम् इच्छामि। वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषा देवभाषा अस्ति, इयं विना जीवनस्य परिकल्पना अपि संभवं न भवति। अस्माकं प्राचीनाः ग्रन्थाः यथा रामायण महाकाव्यं महाभारतं वेदाः उपनिषदः च अस्यां भाषायामेव लिखितः। तान् महाकाव्यान् पवित्रान् ग्रन्थान् पठित्वा वयं जीवनस्य परमं सत्यं जानामि स्म। परम् अद्य अस्माकं प्राचीनभाषा अमरवाणी देववाणी वा स्वयमेव हीनाः परिलक्ष्यते, यतो हि वर्तमाने आङ्ग्लभाषायाः प्रचलनम् अस्ति। इयं सर्वथा अनुचितं न अस्ति, परम् अयम् अस्माकं श्रेष्ठ आचरणान् संस्कारान् अपि आङ्ग्लभाषा कारणेन विस्मरामि। इदम् अनुचितम् अस्ति। मम मतम् अस्ति यत् संस्कृतभाषा सर्वदा स्मरणं करणीयम्। इयं भाषा अस्माकं पूर्खाणां भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा माध्यमेन प्रार्थना एवं देवाः शृण्वन्ति। अतः अहम् इच्छामि यत् संस्कृतभाषया आदरं सम्माननं च करणीयः इति। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, संस्कृत भाषा देवभाषा है और प्राचीन भाषा है, परिमार्जित है, सभी दोषों से रहित है और सभी भाषाओं की जननी भी है। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम अपने जीवन के तत्व को समझ पाते हैं, जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संस्कृत भाषा के माध्यम से सरल है, संभव है। हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को संस्कृत भाषा के माध्यम से पा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी संस्कृत भाषा के माध्यम से बताया कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सभी संस्कृत भाषा के माध्यम से ही लिखे गए हैं। इनमें हमारे जीवन का परम सत्व, परम सत्य निहित है और वर्तमान में चल रही आंग्ल भाषा के प्रकोप से, आंग्ल भाषा के प्रचलन से हम लोग जो है हमारी प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन हमारे संस्कारों को, हमारी प्राचीन संस्कृति को थोड़ा भूल चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से और संस्कृत प्रेमियों से, शिशुओं से, बालकों से कि हम संस्कृत भाषा का सम्मान करें, संस्कृत भाषा को हीन नहीं होने दें, इसकी कहीं गौण इसको नहीं होने दें और सदैव संस्कृत भाषा का आदर सम्मान करते हुए इसको जीवित रखें, इसका प्रचार प्रसार करें, इनके धार्मिक और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें और जीवन के परम सत्य को समझें। धन्यवाद।